स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन। और इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर, भारत में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम। पीएम मोदी ने की टीकाकरण अभियान की शुरुआत। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और को टीका लगेगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगाया गया। जी हां, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर पॉल को टीका लगा है, रणदीप गुलेरिया को टीका लगा है, और ये जो शख्स बैठे हैं ये पहला शख्स है जिसको भारत में टीकाकरण का आप कह सकते हैं मॉडल माना जाएगा। हिस्टोरिकल विजुअल्स है ये जो आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, टीकाकरण की शुरुआत भारत में हो चुकी है। देश विदेश में लगातार इस बात पर नजर थी कि भारत जैसा बड़ा देश कैसे कोविड से उभरेगा, कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सब का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि कैसे हमारे पास पीपीई किट्स, मास्क, टेस्टिंग लैब कुछ भी नहीं था, लेकिन कैसे भारत आत्मनिर्भर बना। और ये विजुअल इस बात को बयां कर रहे हैं कि भारत इस लड़ाई में, जंग में आज जीत गया है, और जीत की शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन से। जी हां, भारत ने अपनी दो वैक्सीन बनाई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सफाई कर्मचारी की है जिसको पहला टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया था कि वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे कंपाउंडर्स हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी उन लोगों को बचाने के लिए जो कोविड संक्रमित हुए थे। लोग अपने घर नहीं गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी अपने जीवन को दांव पे लगा के जिन्होंने देश की, समाज की सेवा करी, उन्हें ही चुना गया पहले टीकाकरण के लिए। दो तस्वीरें, पहला टीकाकरण सफाई कर्मचारी को, दूसरा एम्स के डायरेक्टर जो लगातार कोविड पे लोगों को सलाह देते रहे थे, दिन रात उन्होंने मेहनत करी थी, उन्होंने भी टीका लगाया। यानी एक सफाई कर्मचारी, संदेश साफ था, सफाई कर्मचारी सबसे आगे क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को दांव पे रखा था। ये आप देख रहे हैं दो तस्वीरों में, डॉक्टर पॉल हैं जो कि नीति आयोग सदस्य हैं। लगातार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उन्होंने दिया, बताया कोविड को कैसे रोका गया, लॉकडाउन पे क्या क्या मेजर्स लेना था, भारत की तैयारी क्या थी, कमिटीज ने कैसे काम किया, कैसे कोविड स्प्रेड रोका गया, कैसे चेंज पर नजर रखी गई। दो तस्वीरें हैं, एक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की और दूसरी डॉक्टर पॉल की। हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त करना है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है, जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन की शुरुआत करी, वर्चुअली शुरुआत करी, और बड़े भावुक रहे प्रधानमंत्री मोदी उस पूरे समय को। 30 जनवरी को उन्होंने बताया पहला कोविड केस मिला था, उसके बाद बताया कि कैसे भारत आत्मनिर्भर हुआ। इस बात से बहुत भावुक हुए जब परिवार वालों से नहीं मिल पाते थे, एक माँ अपने बच्चों से नहीं मिल पाती थी, अंतिम विदाई, जो लोग कोविड के चलते नहीं रहे इस दुनिया में, अंतिम विदाई भी नहीं दे पा रहे थे। इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री मोदी ने बताए और बहुत भावुक हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर फख्र जताया कि भारत के वैज्ञानिकों ने वक्त से पहले
वैक्सीन के टीके का इजाद कर लिया और आज भारत दो दो टीकों के साथ मिशन वैक्सीनेशन की शुरुआत कर चुका है। आपको दिखाते हैं एम्स में पहले टीके की तस्वीर, जहां एक हेल्थ वर्कर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हेल्थ वर्क ये सफाई कर्मचारी है एम्स में, और पहला टीका इसी शख्स को लगाया गया, जिससे एक संदेश जाए। एम्स में जिन्हें पहली वैक्सीन लगी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये आपको सुनवाते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपके सामने ही हूँ, कोई ना इचिंग हो रही ना खुजली, कुछ भी ऐसे नहीं है। जो ये व्हाट्सएप वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं, ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है, बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया। तो सबको लगवानी बहुत ज़रूरी है, इससे हम कोरोना से अपने देश को बचा पाएंगे। पहला शख्स जिसको टीका लगा साफ कह रहा है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा इस बात का विश्वास दिखाता है कि हाँ, टीके में कोई दिक्कत नहीं है। आपको आज टीकाकरण की सबसे पहले पांच तस्वीरें दिखाते हैं। एम्स में पहला टीका लगा, एम्स में डॉक्टर को टीका लगा, रणदीप गुलेरिया को भी टीका लगा, डॉक्टर वीके पॉल को भी टीका लगा। यानी ये तस्वीरें वो हैं जो बयां करती हैं कि भारत एक कदम आगे निकल गया है, सब तैयार है, टीके को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि टीका भी हो और कड़ाई भी हो, ऐसा नहीं है कि आप एक टीका लगवाइए उसके बाद दूसरी डोज ना लगवाइए, दूसरी डोज आपको लगवानी पड़ेगी, सेम वैक्सीन की लगवानी पड़ेगी, लेकिन दूसरी डोज के बाद भी मास्क पहनना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, पहली दिल्ली की है एम्स की, जहां पहला टीका लगा गया, उसके बाद मुंबई, बड़ा हफ्ता, केसेस लगातार बढ़ रहे थे, मुंबई में भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई, हैदराबाद, कोटा, भीलवाड़ा, लखनऊ, कानपुर, सिरसा, पंचकुला, श्रीनगर, यानी देश भर में आज से टीकाकरण का श्रीगणेश शुरू हो गया है। पहला टीका एम्स में सफाई कर्मचारी को लगा, वहां रणदीप गुलेरिया हेल्थ मिनिस्टर और साथ ही साथ डॉक्टर पॉल मौजूद रहे। ये पहली तस्वीर है दिल्ली की, जो कि बयां करती है कि हां, देश कोविड से लड़ाई में अब एक कदम आगे निकल गया है, लेकिन अभी भी हमको सतर्क रहना है। 10 तस्वीरें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि भारत कोविड से लड़ने में कहां खड़ा हुआ है, भारत कितना लड़ पाया है, भारत कितना आत्मनिर्भर है। आरएमएल में गार्ड रमाकांत को पहला कोरोना वैक्सीन लगाई गई, उनसे इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्य ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत हैं, जो SIS सिक्योरिटी में है आरएमएल हॉस्पिटल के, और आप सबसे पहले यहां पर वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं आरएमएल हॉस्पिटल में। कितनी खुशी का दिन है आज आपके लिए, क्योंकि इतने समय के बाद भारत के अंदर वैक्सीनेशन आई है और सबसे पहले आपको ये मौका मिला है कि आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, क्या कुछ आप फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने दिन से, 3-4 महीने से हम लोग कोरोना काल में इतने मतलब ये करके ड्यूटी किया, और सरकार की तरफ से आज हम लोग को वैक्सीन लग रहा है, और हमें बहुत खुशी है कि सिक्योरिटी गार्ड से पहला वैक्सीन हमें प्राप्त हो रहा है, बहुत खुशी है। कितना मुश्किल का समय था वो लॉकडाउन का, जब यहाँ पे कोविड चल रहा था और आरएमएल हॉस्पिटल? बहुत 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 मुश्किल का समय था, बहुत मुश्किल का समय था। कैसे याद करते हैं आप इस पूरे वक्त को, और आज जब वैक्सीन आ रही है सभी लोगों को लगेगी, और आप जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले लगनी है? हाँ, खुशी हो रहा है आज, खुशी। क्या कहना चाहेंगे साइंटिस्ट को, जो डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत करी है, रिसर्च करके वैक्सीन को आज बनाया है? मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना मतलब ये करके वैक्सीन तैयार किए, मतलब वैक्सीन लगवाने आगे बढ़िए। और साफ तौर पर रमाकांत, SIS सिक्योरिटी, जो आरएमएल हॉस्पिटल में पूरे लॉकडाउन के वक्त इन्होंने ड्यूटी करी थी, और अब यहाँ से सबसे पहले व्यक्ति बने हैं जो यहाँ से जो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में कोवैक्सीन का टीका लगा, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, सुनिए। की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है, और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है, और अब भारत देखी जाएगी प्रधानमंत्री कोविड
इनके खिलाफ जंग जीतने के निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। सीधे ग्राउंड पे आपको लेकर चलते हैं। दिल्ली से वजीराबाद से हमारे साथ रिपोर्टर राज वर्मा जुड़ गए हैं। मुंबई के कूपर अस्पताल से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर राजीव मलिक हमारे साथ है, जो कि पूर्व सचिव है आईएमए पे। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा, पहले सीधे ग्राउंड पर चलते हैं, एक बार राज वर्मा के पास चलते हैं। राज, क्या माहौल है इस वक्त वजीराबाद में, जिस सेंटर पे आप खड़े हुए हैं? कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? कोई रिएक्शन की तो खबर नहीं है? देखिए, अच्छी बात यह है, दो अच्छी बातें। पहली अच्छी बात यह कि कोरोना के खिलाफ आज जो टीकाकरण का अभियान है वो आज शुरू हुआ है और लोग जो है उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। दूसरी बात बिल्कुल कि अभी तक किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। मैं अभी इस वक्त गुरुग्राम के वजीराबाद के सरकारी अस्पताल में हूँ, जहाँ सेंटर बनाया गया था। बाकायदा पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, मार्किंग की गई है किस कमरे में जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया वो कैसे आएंगे, इसके बाद वैक्सीनेशन और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम। तो तमाम तैयारियों के बीच जो है वो टीकाकरण का अभियान चल रहा है। जो फ्रंटलाइन जो कोरोना वॉरियर्स थे और इसके अलावा हेल्थ कर्मी, उन्हें आज लगाया गया। करीब 40 से 42 अभी तक, इस सेंटर की बात करें गुरुग्राम में कुल 6 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें सभी में 100 लोगों को टीकाकरण लगना था। जिस सेंटर पर हम मौजूद हैं यहां पर अभी तक करीब 42 जो लोगों ने अभी तक टीका लगवाया। तो कहीं ना कहीं जो एक शंका, एक शक जो टीकाकरण को लेकर था वो अभी भी लोगों में है, क्योंकि 100 लोगों को आज पहुंचना था तो पूरे 100 नहीं पहुंचे। लेकिन इस सबके बीच सबसे अच्छी बात यह रही कि जो खुद चीफ मेडिकल ऑफिसर है गुरुग्राम के, सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उन्होंने भी आज जो है वैक्सीन लगवाई है, एक मैसेज देने के लिए सभी को कि ये वैक्सीन सेफ है, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल के जो सीएमडी है डॉक्टर तिरहान, उन्होंने भी आज वैक्सीन लगवाई है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि जो एक मैसेज है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन लगाई, डॉक्टर पॉल ने भी वैक्सीन लगाई, जिसमें एक मैसेज बहुत क्लियर जाए कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं वो गलत लोग हैं। सीधे चलते हैं अभिषेक के पास, कूपर अस्पताल मुंबई जुड़े हैं। अभिषेक, कितने लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, क्या माहौल है मुंबई में? बिल्कुल अजय, देखिए मुंबई में जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक अगर कोई केसेस मिले हैं तो मुंबई और महाराष्ट्र में मिले थे, और अब तक आप समझिए कि करीबन एक दो नहीं 19 के आसपास पूरे महाराष्ट्र में केसेस हो चुके हैं और आज के डेट में अधिक संख्या में एक्टिव केसेस पाए गए हैं। लेकिन इस अगर हम कूपर की बात करें जहां पर और अब ठीक है अभिषेक, हम वापस आएंगे आपके पास। सीधे चलते हैं डॉक्टर रवि मलिक के साथ, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे, बहुत बधाई। एक लंबा संघर्ष पूरी फ्रेटर्निटी ने आपके लड़ा, देश को सुरक्षित रखा। कई डॉक्टर्स भी अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, परिवार की परवाह नहीं करी, आज आपके लिए भी बड़ा दिन डॉक्टर साहब। बिल्कुल, आज बहुत बड़ा दिन है और मैं आपको बता दूं हमारे देश के लिए नहीं विश्व के लिए बहुत बड़ा दिन है। और आज का दिन जो है हिस्टोरिक डे है, जहां पर की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में इतना बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कभी भी नहीं हुआ, जिसमें 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और आज का वो दिन है जब वैक्सीनेशन शुरू होगी और आज के बाद से कोरोना कम होता जाएगा और हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। ये एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को तीन चीजें हुई हैं। पहली चीज तो यह है कि हमारे देश का नाम बहुत रोशन हुआ है कि हमारे देश ने इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन का निर्माण किया है, जो कि बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। आप इमेजिन कीजिए, अगर विदेशों से, विकसित देशों की वैक्सीन से कंपेयर किया जाए तो इसकी कॉस्ट लगभग 1/10 है। इसकी टेम्परेचर कंपेटेबिलिटी बहुत बढ़िया है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये एक बहुत फख्र की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज ये है कि आज के बाद से कोरोना कम होता जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि जो लोग एडवर्स पब्लिसिटी कर रहे थे, इस वैक्सीन के खिलाफत कर रहे थे, इस वैक्सीन को किसी तरह से अंडरमाइन कर रहे थे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनके लिए भी एक मुंह पे तमाचा है। ये, आज ये, 3 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और डॉक्टर रवि मलिक जी, इसी चीज को मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को समझाइए। और एक बार मैं कहूंगा अभी अपने पैनल प्रोड्यूसर से कि वो जो तस्वीर है डॉक्टर पॉल की और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की, वो भी दिखाते रहे।
डॉक्टर साहब, क्या क्या ये मैसेज आज देने की कोशिश करी गई जब डॉक्टर पॉल ने और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि डायरेक्टर है एम्स के, उन्होंने दूसरे तीसरे नंबर पे टीका लगवाया, तो इससे एक संदेश भी जाता है, चाहे वो डॉक्टर्स की फ्रेटिनिटी हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो आम आदमी जो टीवी पे लगातार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुनता रहता था, समझता रहता था कि कोविड से कैसे बचें, क्या रिसर्च आ रही है, आज खुद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीका लगवाकर एक मैसेज दिया है कि हाँ ये वैक्सीन सुरक्षित है। डेफिनेटली ये केवल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया नहीं, 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं आज वैक्सीन लगाएंगे और देश के सामने इस चीज का प्रमाण देंगे कि ये वैक्सीन ही एक विकल्प है इस बीमारी को पकड़ने का, और ये वैक्सीन जो है बहुत ही इफेक्टिव है, सेफ है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का वैक्सीन लगाना, डॉक्टर पॉल का वैक्सीन लगवाना और हमारे 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स का जो कि कवच की तरह सामने खड़े हैं पूरी पॉपुलेशन के, जिन्होंने वॉलंटियर किया है कि हम वैक्सीन लेंगे और देश को और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा, दिल्ली से भी एक बड़ी खबर आ रही है, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर वैक्सीनेशन का प्रोसेस कब तक चलेगा, आम जनता को वैक्सीन कब तक मिलेगी और हर्ड इम्यूनिटी की जो बात आपने करी है वो कैसे डेवलप होगी देश में। एक खबर पड़ी आ रही है डॉक्टर साहब, एक बार पहले वो खबर पढ़ लेते हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री CM केजरीवाल, वैक्सीनेशन ड्राइव का लिया है जायजा, वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के 81 सेंटर पर आज से टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, देशभर में टीकाकरण की शुरुआत हुई, आप ये देख रहे हैं। LNJP हॉस्पिटल पहुंचे हैं और यहां पर टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और पीछे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन खड़े हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, एक दिन आपने न्यूज में देखा डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल में, खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद है, टीकाकरण की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा, फिलहाल 81 वैक्सीनेशन सेंटर है। पहुंचने के बाद, वैक्सीनेशन होने के बाद क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, ये आपको सुनाते हैं। खुश हैं कि अंत में किसी तरह से कोरोना से छुटकारा सब लोगों को मिलेगा, तो दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100-100 लोगों को वैक्सीन लगेगा, 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें, और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करते रहें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। सीधा रुख कर लेते हैं मध्यप्रदेश का, जहां से हमारे संवाददाता सरस्वती चंद जुड़े हैं। सरस्वती, भोपाल में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुकी है, वहां पर क्या माहौल है, जिन लोगों को वैक्सीनेशन मिली क्या वो स्वस्थ हैं, कोई रिएक्शन की तो खबर नहीं है, और लोगों में उत्साह कितना है भोपाल के अंदर? देखिए, अच्छी खबर यह है कि अभी तक जहां से भी मध्य प्रदेश में 150 सेंटर्स हैं और 150 सेंटर में प्रत्येक सेंटर में 100-100 वैक्सीन लगनी है, लेकिन फिलहाल अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसको रिएक्ट किया हो। इस वक्त हम उस व्यक्ति से जो सफाई कर्मी है उनसे पूछते हैं, इन्होंने वैक्सीन लगवाया है, आपने वैक्सीन लगवाया है, हाँ कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, घबराहट लग रही थी कि ये वैक्सीन लगेगा, जो बातें आ रही थी कि कुछ होगा? नहीं सर, कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। आप लोगों ने उस दौर में काम किया जब कोरोना था, अस्पताल में यहाँ पर कोरोना था, डर लगा कि कभी? नहीं सर, नहीं लगा, नहीं लगा। अच्छा, आप कभी इन्फेक्ट भी नहीं हुए, मतलब आपको कोरोना ने पकड़ा भी नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा, क्या सोच के जाते थे अस्पताल में कि पता नहीं शाम को इन्फेक्शन ना हो जाए? हाँ, थोड़ा सा लगता था कि यार अपन किसी कोरोना वायरस के लोगों को छू भी रहे, उनके लाशों को उठा के रख भी रहे, कभी इस पक्ष मन में आता था कभी कभी कि कुछ हो नहीं जाए अपने को, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर, हुआ नहीं। और लेकिन अब आप एक कवर मिल गया है आपको, आप ये मतलब काफी बेफिक्री है? जी सर, अब तो बेफिक्र हो गए बिल्कुल। तो आपको बता दें कि अभी हम इस वक्त हमीदी अस्पताल में हैं जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है भोपाल का, और यहां पर अभी तक जो पिछले सर, एक मिनट आपको रोकूंगा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बातचीत करी हमारे संवाददाता ने, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। सर, कोवैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर, दोनों को लेकर कई तरह की बातें आई हैं, आपने खुद वैक्सीनेशन लिया, आपका अनुभव कैसा रहा?
मेरा अपना अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं यही सब लोगों को कहना चाहूँगा कि वो आगे आए, वैक्सीन लगाएं, इस पे ना जाएं कि किस कोविन है या कोविशील्ड है। दोनों वैक्सीन हमारे रेगुलेटर्स ने अप्रूव की हैं, दोनों वैक्सीन पे रिसर्च बहुत रबस्ट है, सेफ्टी सिग्नल बहुत अच्छे हैं और एफिकेसी भी है। इसलिए अगर हमने सब लोगों को वैक्सीनेट करना है और अपने टारगेट अचीव करना है जल्दी से जल्दी, जिससे कोविड के डेथ्स भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे, इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो, हम बैक टू नॉर्मल आएँ, लोग ट्रैवल कर पाएँ, छुट्टियों पे जा पाएँ, तो उसके लिए वैक्सीन सबको लगाना ज़रूरी है। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें जितने ज़्यादा डोजेज मिलें हमें वो यूज़ करने चाहिए, अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए। सर, लोगों के दिमाग में एक बहुत कंफ्यूजन है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं दी जा सकती, यानी कि खासतौर पर उनको किस तरह की बीमारी है, कोमॉर्बिडिटीज में आते हैं, वो कौन लोग हैं? कोमॉर्बिडिटीज वालों को भी वैक्सीन लग सकती है। कई लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स में आपकी इम्यून जो एंटीबॉडीज बनेगी वो कुछ कम मात्रा में बन सकती हैं, लेकिन वैक्सीन उनको भी लगानी चाहिए क्योंकि उनको सीरियस इलनेस के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में अभी कोई डेटा नहीं है इसलिए उनको नहीं हम लगा रहे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लगा रहे हैं, और बहुत छोटे बच्चों में अभी डेटा नहीं है तो वो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों में प्रेगनेंसी में किसी को मधुमेह की प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज है या फिर ये सकते हैं, हम तो उनको कह रहे हैं कि लगाना चाहिए। और लेस देन 50 वाले जो ग्रुप है उसमें ये सब लोग आएंगे जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायलिसिस पे पेशेंट्स हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको लगाना चाहिए क्योंकि वो उनको भी सीरियस कोविड के चांसेस ज़्यादा हैं। सर, किस तरह से बॉडी में वैक्सीन काम करेगी? वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, जब हम एंटीजन या वैक्सीन देते हैं वो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जैसे नॉर्मल इम्यूनिटी में नॉर्मल इन्फेक्शन के बाद भी बनती हैं, एक और इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसको भी स्टिमुलेट करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ मल्टीपल साइट के लिए बनती हैं, जिससे अगर कोई वेरिएशन भी हो वायरस में तो तब भी इफेक्टिव रहेंगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इफेक्टिव रहती हैं, और ये इम्यूनिटी काफ़ी हद तक काफ़ी देर तक रहती हैं। डॉक्टर रणदीप गुरेलिया ने तीसरे नंबर पर आज टीका लगवाया, बात करी इंडिया न्यूज से खास और साफ कहा कोई दिक्कत नहीं है, टीका लगवाइए, और वो लोग जिनको डायबिटीज हो, कैंसर हो, उन सब के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि उन सबको टीका लगवाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, महाकवरेज वैक्सीनेशन पर जारी रहेगी इंडिया न्यूज पर। मोदी का वैक्सीन संकल्प, देश भर में पीएम मोदी ने शुरू किया टीकाकरण अभियान, एम्स के बाहर पीएम को धन्यवाद करने पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता, पीएम मोदी धन्यवाद के पोस्टर के साथ पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, पीएम को धन्यवाद करने पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बड़ा दिन है आज का, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो बात कर रहे थे, उन्होंने आज वो भावुक भी हो गए बात करते करते, पूरा समय याद कर रहे थे कैसे कोविड का पहला केस मिला, कैसे टेस्टिंग सेंटर्स को बढ़ाया गया, कैसे पीपीई किट बनाया गया, और बीजेपी कार्यकर्ताओं को फक्र है आज उतने स्टार प्रचारकों को और आज कैसे उसको आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, आज की ये चार बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको आज टीकाकरण की सबसे पहली पांच तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एम्स में पहला टीका लगा, एम्स में डॉक्टर्स को टीके लगे, रणदीप गुलेरिया को भी टीका लगा, डॉक्टर वीके पॉल को टीका लगा, यानी ये चार तस्वीरें बताती हैं कि हाँ आज से टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सीएम के सामने यूपी में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी हुई। पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए, वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इंडिया न्यूज ने केंद्रीय
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, सुनाते हैं आपको। तो दुनिया में सबसे बड़े टीकाकरण के अभियान की शुरुआत आज भारत में हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी। अश्विनी जी, आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारत में हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के वासियों को विश्वास दिलाया और दुनिया भर के लोग सचमुच में इसकी तारीफ कर रहे हैं कि जिस काल और परिस्थिति में कोरोना के प्रारंभ काल से जनवरी 2020 से ही किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये लड़ाई शुरू किया और आज हम ये कह सकते हैं कि सबका सहयोग लेकर के और ये वैक्सीन ये अंतिम प्रहार के रूप में कोरोना वायरस को हटाने के लिए आज ये जंग शुरू हो गया। आज से क्रांति शुरू हो गया है, सारी भ्रांतियां दूर हो करके आज क्रांति की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये दुनिया का एक सबसे बड़ा कह सकते हैं महाअभियान है, भारत के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में ये लिखा जाएगा। और कितनी बड़ी उपलब्धि है अश्विनी जी, क्योंकि भारत ने खुद ने मेड इन इंडिया की ओर से कोविड के खिलाफ लड़ाई में दो दो वैक्सीन तैयार किए खुद भारत ने। देखिए, ये भारत ने ठीक कहा, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ जो आत्मविश्वास है हमारा, उस आत्मविश्वास का ही ये परिलक्षित हुआ है कि हमने दो दो और आने वाले दिनों में हम और 5-6 तैयार करने की स्थिति में है, वो भी तैयार होगा। लेकिन ये दो वैक्सीन दुनिया भर के लोगों को हमने दिखाया है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। और भारत के हमारे तमाम उन वैज्ञानिकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन शोधकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें सहयोग किया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे। सीधे मुंबई चलते हैं, वहां से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुंबई एक बहुत बड़ा हब था जिसको कहा जाए कि हिंदुस्तान की टैली अलग चल रही थी कोविड की, मुंबई महाराष्ट्र की टैली अलग चल रही थी। आज जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, मुंबई वासी हो चाहे हेल्थ वर्कर्स हो चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो सफाई कर्मचारी हो, एक राहत के साथ मुंबई ने ली होगी। मुंबई बहुत लाइवली आप कह सकते हैं सिटी है, आर्थिक राजधानी भी है देश की, एक राहत के साथ आज मुंबई वालों ने महाराष्ट्र वालों ने ली होगी। जब देखा होगा तस्वीरें, जब लोगों ने बताया होगा कि हाँ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, टीके लगना शुरू हो गए हैं, मुंबई का आज का मिजाज क्या है वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद? बिल्कुल सही कहा था आपने और सही, मुंबई के बारे में देखे कहा भी जाता है कि मुंबई कभी सोती नहीं है और यही वजह है कि मुंबई में जब जो कोरोना का कहर आया, नहीं पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में आया, मुंबई में सबसे अधिक कोरोना कहर देखा गया और आज भी सबसे अधिक जो असर देखा गया है मुंबई में ही सबसे अधिक पेशेंट मिल रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर कल के आंकड़ा की बात कर ले हम तो एक दिन में करीबन 3,000 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, करीबन 50 के आसपास लोगों की मौत हुई है और अभी भी पूरे महाराष्ट्र में काफी सारे जो पेशेंट हैं वो पूरे महाराष्ट्र में देखे रहे हैं। तो जरूर मुंबई की अगर हम बात करें, जैसा कि बता रहे हैं, यह साफ है कि मुंबई के लोग काफी खुश इस बात को लेकर हैं कि जो ऐतिहासिक दिन है, हम आपको सेंटर भी दिखाते चलें, बताते भी चलें, जो ऐतिहासिक आप जो दिन देख रहे हैं या वो जगह देख रहे हैं, इसी जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है इसको लेकर हर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित था, बहुत ज्यादा जागरूक था कि कब यह शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत जब आज हुई है तो आप यकीन मानिए कि पूरी तरीके से जो भी जिनको अलाउ किया गया था वह लोग आए और बड़े ही अच्छे से खुशी मन से, कोई ऐसा नहीं, किसी को हमने देखा नहीं कोई निराश है या किसी को डाउट है। जो लोग भी वैक्सीन ले रहे थे वह सभी के सभी लोग इस बात पर काफी ज्यादा खुश थे कि वह इस पूरे ऐतिहासिक पल में भाग ले पा रहे हैं और यही देख रहे हैं कि आप देखिए लगातार जो हेल्थ वर्कर्स हैं यहां पर वैक्सीन देने का काम लगातार चल रहा है सुबह से, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है उसके बाद से लगातार लोगों को वैक्सीन यहां पर दिया जा रहा है, लोगों की यहां पर लाइन लगी हुई है। जरा सा भी सुबह सुबह देख रहा हूं यहां भीड़ कम नहीं हो रही है, इसका अंदाजा साफ लगा सकते हैं जिन लोगों ने भी यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया था वो सभी के सभी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग यहां पे इनसे पूछ रहे थे कि आप लोगों ने वैक्सीन ले लिया? इन्होंने ले लिया। आपने लिया? कैसा, क्या फील करेंगी और किस तरीके से बताएंगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कूपर में ही काम करती हूँ, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर मांडके, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने वैक्सीन लिया, सभी ने लेना चाहिए, कोई भी तकलीफ नहीं है और इधर की सुविधा भी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल, तो इसके बाद क्या आपको कुछ बताया गया कब आपको वापस आना है या कितने देर आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रखना है? अभी ऑब्जर्वेशन रूम में मुझे आधा घंटा रखा था, वो हो गया है, अभी मैं घर चली जाऊंगी और मुझे अभी
चार हफ्ते के बाद वापस दूसरा डोज दे देंगे, वो फोन करेंगे। बिल्कुल, लेकिन उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप, कि जो लोग अभी भी कई सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं या फिर जो उनके मन में डाउट्स हैं, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, आपने लिया, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या उन लोगों के लिए सब मैसेज दें। मेरा मैसेज ये है कि अगर कोई डाउट में है उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए। हम खुद डॉक्टर हैं, हम वैक्सीन ले चुके हैं। टू प्रोटेक्ट आवर फैमिलीज, टू प्रोटेक्ट आवर पेशेंट्स एंड टू प्रोटेक्ट एवरीबडी अराउंड अस, सबने वैक्सीन लेना चाहिए। इट इज़ अ प्रिविलेज एंड गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव गॉट टू टेक द वैक्सीन एंड इट इज़ सेफ। तो सभी ने वैक्सीन लेना चाहिए और इट विल बी गुड फॉर एवरीबडी इन इंडिया। बिल्कुल, एवरीबडी इन इंडिया, और ये जो ऐतिहासिक पल है इसका ठीक है अभिषेक, ये यही लोग सुनना चाहते हैं, जो वैक्सीन लगा के लोग निकल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो चाहे कोई भी हो, यही लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ वैक्सीन ठीक है, वैक्सीन पर भरोसा है, और जिस पर आपने पूरे साल सबसे ज्यादा भरोसा किया यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, जो लोग देश को बचा रहे थे, सबसे पहले वही टीका लेंगे क्योंकि उनका हक बनता है। आगे बढ़ते हैं, देश में सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर इंडिया न्यूज ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बात की। भारत में टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, प्रधानमंत्री के उद्बोधन के साथ ही जो है कोरोना वैक्सीन का शुरुआत हो गई है टीकाकरण। देखिए, ये हमारे देश और हमारे देश के 130-135 करोड़ लोगों ने जिस तरह से इस कोरोना के कहर के दौरान संयम की, सावधानी की एक मिसाल पेश की है, निश्चित तौर से नतमस्तक होकर के हमारे देश के लोगों के इस जुनून और जज्बे को हम सलाम करते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय आपदा को आफत बनने के बजाय अवसर बनाने का जो एक संकल्प लेकर काम किया, उसका नतीजा है कि कोरोना की मारक क्षमता हमारे देश में बहुत कम रही, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि इस इतने कम समय में दो मेक इन इंडिया वैक्सीन्स का तैयार होना और देश के लोगों में आत्मविश्वास का माहौल पैदा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प की उपलब्धि है। और इतना ही हम कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का, तो जब एक हौसला बना लिया तो फिर कोरोना का कद कितना बड़ा है, कोरोना का कहर कितना बड़ा है, उसको हमें परास्त करना है, इस संकल्प के साथ लगातार उन्होंने काम किया। नकवी साहब, जो कीमत है जो भारतीय वैक्सीन का, वो काफी कम है अन्य जो देशों की तुलना में, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, जो भारतीय वैक्सीन है, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल परफेक्ट है, 100% सुरक्षित है और लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने वाली है। और दुनिया की वैक्सीन की जो कीमत है उसको आपको मालूम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इतने कम समय में दो दो मेक इन इंडिया वैक्सीन, दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन आ जाना और लोगों में विश्वास पैदा होना, ये बहुत महत्वपूर्ण। आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, अल्पसंख्यकों में जिस तरह से एक फैलाने की जो है कोशिश की गई, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या आप? देखिए, जिन लोगों ने इस तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश की वो लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन नंबर वन है, और ये लोग वो नहीं है, वो ऐसे ही है जिन्होंने कि डेंगू के समय भी इस तरह की का कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की थी। आपको याद मालूम होगा कि जो हज पे यात्री जाते हैं उनको वैक्सीन लगाई जाती है, ये वैक्सीन नहीं लेकिन और वैक्सीन, उस पर भी जो है वो ये लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे। तो इस तरह के जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग हैं, इस तरह के जो फतवों की दुकानें हैं, इसका कोई नहीं सुनने वाला है। एक आखिरी सवाल कि लोगों से आप क्या अपील करेंगे एक केंद्रीय मंत्री को? देखिए, लोगों से इस वक्त हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इस कोरोना के कहर से लोगों को मुक्त कराने के संकल्प के साथ की है। हमें संयम और सावधानी के साथ इस सेहत की और सलामती के संकल्प को ही को फिर से आगे बढ़ाना है, और हम निश्चित तौर से जीतेंगे और कोरोना का जो एक आपदा थी वो हमें अवसर में हमने बदला है और हम आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, साफ कह रहे थे कि जो कीमत है वो काफी कम है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये देश में भी बन रही है और देश आत्मनिर्भर हो रहा है, किसी भी तरीके का विवाद वैक्सीन को लेकर नहीं होना चाहिए। कोवैक्सीन की क्या है खास बात, ये अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए।
एम्स में कोवैक्सीन से शुरुआत की गई है। आपको कोवैक्सीन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां बता देते हैं। कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल के नतीजे 23 दिसंबर को सामने आए थे। कोवैक्सीन ट्रायल 380 सेहतमंद बच्चों और वयस्कों पर किए गए थे। 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम के 2 फॉर्मूले तय किए गए थे। 2 ग्रुप्स बनाए गए जिसमें 2 डोज 4 हफ्तों के अंतर में लगाए गए। फेज 2 में क्या था? फेज 2 में ट्रायल में कोवैक्सीन ने हाई लेवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जिसकी जरूरत है कोविड से लड़ने के लिए। कोवैक्सीन का दावा है कि एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहती है, यानी जो एंटीबॉडीज की कमी होती है उसको कोवैक्सीन पूरी कर देती है। एंटीबॉडी शरीर में मौजूद प्रोटीन जो वायरस के हमले को बेअसर कर देता है। फेज 3 में क्या हुआ? फेज 3 के लिए देश भर में सबसे ज्यादा 23,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हुआ था और इन ट्रायल्स पर लगातार काम चल रहा है। अब आपको बताते हैं मिशन वैक्सीन क्या है। मिशन वैक्सीनेशन 3006 जगह एक साथ टीकाकरण की शुरुआत हुई है। हर साइट पर 100 लोगों को टीका दिया जा रहा है। सभी 29 राज्यों में शुभारंभ हो गया है। केंद्र शासित राज्यों में भी टीकाकरण चल रहा है, यानी ये सिर्फ एम्स या बड़े शहरों में नहीं है, पूरे देश में व्यापक है। मिशन वैक्सीनेशन में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स यानी डॉक्टर्स, नर्स, एएनएम, मेडिकल स्टाफ, ये सबको लोग आते हैं। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी स्वच्छता कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड, सेना का जवान, ये सब उस फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं। क्या क्या खास बात है? कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल्स के बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। वॉलंटियर्स को पहले कोविशील्ड का हाफ डोज दिया और फिर फुल डोज दिया। किसी भी वॉलंटियर को हेल्थ से जुड़ी गंभीर समस्या देखने को अब तक नहीं मिली है। हाफ डोज दिया तो एफिशिएंसी 90% मिली। 1 महीने बाद फुल डोज दिया गया। जब कोविशील्ड के दोनों फुल डोज दिए गए तो एफिशिएंसी 62% रही। हाफ और फुल दोनों की तरह डोज में औसत एफिशिएंसी 70% पाई गई। ऐसी दवा है कोविशील्ड, बाकी वैक्सीन के मुकाबले बहुत सस्ती है। जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2000 से लेकर 5000 तक की वैक्सीन है, लेकिन हिंदुस्तान में 200 से लेकर 400 तक दोनों वैक्सीन मिल जाएगी। किसको किसको वैक्सीन नहीं लगेगी ये भी समझिए आप। 18 से कम उम्र के लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगेगी। प्रेग्नेंट वुमेन को अभी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। लैक्टेटिंग वुमेन को भी नहीं दी जाएगी। वैक्सीन की पिछली खुराक के चलते जिन्हें अनइजीनेस हुई है या एलर्जी या रिएक्शंस हुई है उनको नहीं दी जाएगी। वैक्सीन या इंजेक्टेबल थेरेपी से शुरू होने वाली अनफ्लेक्सिक्स या एलर्जी सार्स कोविड 2 संक्रमण के एक्टिव लक्षण वाले व्यक्ति, जिन कोरोना मरीजों को प्लाज्मा दिया गया उनको भी नहीं दिया जाएगा। किसी बीमारी के चलते अस्वस्थ या अस्पताल में भर्ती हुए ऐसे किसी भी लोग को फिलहाल वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन इस पर ट्रायल्स चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में दिया जाए। वैक्सीन के 4 सेंट्रल डिपो जो है जहां रखी जाएगी वो आपको बता दें, जहां वो स्टोर होगी, चेन्नई, करनाल, कोलकाता, मुंबई, ये 4 अलग अलग दिशाओं में सेंटर्स बनाए गए। यहीं से वैक्सीन आप कह सकते हैं देश भर में जाएगी। चेन्नई, करनाल, कोलकाता और मुंबई, ये 4 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन को डंप किया जाएगा, उसके बाद देश भर में यहीं से वैक्सीन जाएगी। वैक्सीन पर होने वाले खर्च की जो चुनौती है वो भी आपको बता देते हैं। वैक्सीनेशन पर होने वाले खर्च एक बड़ी चुनौती है। 2 डोज पर न्यूनतम यानी मिनिमम 400 रुपए लगेंगे। टीकाकरण पर करीब 35,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हर टीके पर औसतन 150 रुपए प्रशासनिक खर्च भी आएगा। इस पर भी बहस चल रही है। कई राज्यों ने कह दिया है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, कि वो वैक्सीनेशन अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए फ्री कराएंगे, लेकिन इस पर अब तक देश में कोई प्रोग्राम नहीं बना है। केंद्र सरकार ने सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को यानी लगभग 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए फ्री प्रावधान दिया है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।